योग एक जीवन का अभिन्न हिस्सा है और योग एक साधना पद्धति है और जीवन पद्धति है, और ये स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक बहुत ही अच्छा जीवनचर्या है। तो योग अभिन्न हिस्सा बन रहा है आजकल लोगों का, लेकिन योग ना करने से जो रोग उत्पन्न होती है उनमें से एक रोग है साइटिका। और सबसे पहले हम जानते हैं साइटिका क्या होता है। कि साइटिका जानने से पहले इसमें जो इन्वॉल्व जो नर्व है साइटिक नर्व, ये सबसे थिकेस्ट नर्व होती है हमारे शरीर की, और ये स्टार्ट होती है आपके लंबर रीजन से और लंबर रीजन से पास होकर के आपके बैक ऑफ द थाई से होकर के नीचे पैर तक जाती है, डोर्सम ऑफ द फुट तक जाती है। तो जब ये साइटिक नर्व में कंप्रेशन आती है, यानी कि कंस्टिपेशन के कारण से या तो किसी एक्सरसाइज के कारण से जो कंप्रेशन आती है, उस कंप्रेशन के कारण से जो दर्द महसूस होता है वो आपकी बैक ऑफ द यानी कि ग्लूटियल रीजन से शुरू होकर के बैक ऑफ द थाई होते हुए पहले घुटने में फिर नीचे डोर्सम ऑफ द फुट तक रेडिएट होता है, और बाद में जा कर के जब इसकी एक्सट्रीमिटी होती है तो ये ड्रफ फुट का रूप ले लेती है, यानी कि पैर चलने में दिक्कत होती है, जिसको हम हिंदी में लंगड़ी बाई भी बोलते हैं। आइए अब हम जानते हैं योग के द्वारा साइटिका को कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं, यानी कि अपने पैरों को सीधा करके अपने हाथों को पीछे रख लीजिए और जो पैर की उंगलियां हैं इन उंगलियों को ऐसे मूवमेंट करने से आगे पीछे लंबे गहरे श्वासों के साथ, फिर इसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की जो एक्सरसाइज है जो हम एंकल जॉइंट पे करते हैं, इस एक्सरसाइज से जो मसल्स स्ट्रेंथ होती है, मसल्स स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, और जिन मसल्स को साइटिक नर्व सप्लाई कर रही है उन मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और इसको हम ऐसे गोल गोल भी घुमा लेते हैं। लंबे गहरे श्वासों के साथ हम इस अभ्यास को करते हैं, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद एक और अभ्यास हम करते हैं कि अपने राइट लेग को हम थाई के ऊपर रखते, फिर इस घुटने से हम छाती में टच करते, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाते। फिर यही जो प्रक्रिया है हम दूसरे पैर से भी करते हैं। श्वासों के गति के साथ हम अभ्यास करें तो जो ब्लड सप्लाई है, जो नर्व को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो वेसल्स अच्छे से एक्टिवेट होंगे और वहाँ पे अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई होने से जो कंप्रेशन बनी हुई है वो कंप्रेशन खुल जाती है, यानी कि जो भी टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हो रखे हैं वो टॉक्सिन्स डिटॉक्सिफिकेशन के मार्ग पे जाएगी, यानी कि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकलने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में शरीर को चाहिए होती है। इसलिए जितने भी हम योगाभ्यास करते उसमें श्वास प्रश्वास की गति पर हम विशेष ध्यान देते। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अब हमारी जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ चुकी है, अब इसके बाद हम आसनों के अभ्यास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते उष्ट्रासन से। ऐसे घुटने के बल हम खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथों को छाती में रख करके श्वास भरते हुए पीछे की ओर मुड़ जाते और थोड़ी देर होल्ड करके रखें पीछे मुड़ करके। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाए सामान्य स्थिति में, नीचे बैठ जाएंगे हम वज्रासन में, और इस अभ्यास को हम 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। और ये अभ्यास करने से जितने भी बैक की समस्या है, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो या तो लंबैको की दिक्कत हो, लंबर पेन की दिक्कत हो या तो साइटिका की दिक्कत हो, सारी दिक्कत में बहुत अच्छा करता है बैक, हमारे स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है ये अभ्यास। और इसी का दूसरा अभ्यास है ये उष्ट्रासन को, हम जैसे हमने दाएं हाथ को पीछे ले गए और दाएं पैर को पकड़ लिए पीछे श्वास भरते हुए, ऐसे ही बाएं हाथ को पीछे ले गए और बाएं पैर को पकड़ लिए और होल्ड करके रख लिए थोड़ी देर तक, थोड़ी देर श्वासों को होल्ड करने के बाद हम नॉर्मल गति में श्वास प्रश्वास को ले सकते हैं। फिर हम वापस आ जाते, लेफ्ट हैंड को पहले वापस लेके आ जाएंगे फिर राइट हैंड को वापस लेके आ जाएंगे और नीचे हम बैठ जाते। तो ये उष्ट्रासन का हमने अभ्यास किया, ऐसे ही
अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन के बाद हम चंद्रासन का अभ्यास कर सकते हैं, और हम लेट करके अभ्यास करते हैं मकर आसन का। ऐसे लेट करके अपने दोनों हाथों को थोड़ी पर रखें, फिर श्वास भरते हुए एक एक पैर से पीछे हम लोअर बैक पर टच करने की कोशिश करते हैं, लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। ये बहुत ही आरामदायक आसन होता है, लोअर बैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। लोअर बैक के जितने ही मसल्स है, जितने भी नर्व सप्लाई कर रही है लोअर बैक में, उन सारे नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, उनको स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। और इस आसन का अभ्यास हर कोई कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं इस आसन करने में, लेकिन शर्त यही है कि भोजन करने से पूर्व ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिए, भोजन के बाद इस आसन का अभ्यास ना करें। ऐसे एक एक पैर से इस आसन को करने के बाद हम इस आसन को दोनों पैर से एक साथ भी करते हैं, ये इसका दूसरा वेरिएशन। आप महसूस कर सकते इस आसन को करते हुए जो दर्द आपको महसूस हो रहा है लोअर बैक में, वो दर्द आपकी जो साइटिका के कारण से होने वाली दर्द है उसको ठीक कर देती है, यानी कि इसका जो सकारात्मक प्रभाव है। और आप मन में ऐसे संकल्पित रहे कि इस आसन के अभ्यास से मेरी जो दर्द है वो ठीक हो रहा है और मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ, ऐसे संकल्प के साथ लंबे गहरे श्वासों के साथ इस आसन का अभ्यास करें। इस आसन को 20 से 30 साइकिल तक कर सकते हैं, फिर इसके बाद थोड़ी देर हम मकर आसन में थोड़ी देर आराम करेंगे, ऐसे 2-3 लंबे गहरे श्वास भर लेंगे और श्वास छोड़ देंगे। फिर इसके बाद हम करते भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के 3-4 अभ्यास है। इससे सबसे पहला कि हम हाथों को अपने छाती के साइड साइड में रखें और श्वास भरते हुए अपने सिर को ऊपर उठाएं और ऊपर की ओर दृष्टि करके रखें, श्वास भर के होल्ड करके रखें, स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए। और स्पाइन से रिलेटेड जितने भी दिक्कत हो, चाहे वो सर्वाइकल की हो, चाहे वो लंबर की हो, चाहे वो सैक्रल रीजन की हो, चाहे वो लोअर बैक की हो, सारे दिक्कत को ठीक करने के लिए और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भुजंग आसन बहुत ही अच्छा है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं, फिर से एक बार श्वास भरते हुए हम ऊपर जाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद श्वासों को नॉर्मल गति से ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ सकते हैं। ऐसे इसकी अभ्यास हम 5-6 बार तक करने के बाद, फिर इसका दूसरा अभ्यास है भुजंग आसन का। हमने हाथों को साइड सामने ले लिया और दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ रख करके फिर उस पर थोड़ी रख लिया। थोड़ी देर हम ऐसे आराम करने के बाद फिर हम सामान्य गति से श्वास को अंदर भरते हुए फिर अपनी छाती को ऊपर उठाते और अपनी दृष्टि ऊपर की ओर करते। इस स्थिति में कुछ समय तक होल्ड करके रखें। फिर उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे आ जाएं। इस अभ्यास को भी हम 5-6 बार तक कर सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर चले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। और जब हम श्वास भरते हैं तब मन में ऐसे संकल्प होनी चाहिए कि जो परमपिता परमात्मा की दिव्य गुण है, कि परम शक्ति ऐसी मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही है, जो वातावरण में व्याप्त सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो सकारात्मक ऊर्जाएं मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के मुझे स्वास्थ्य की प्राप्ति करा रही है। और जब हम श्वास छोड़ते हुए नीचे आते तो मन ही मन संकल्प करें कि मेरे अंदर जो विकार है वो सारे विकार इस प्रश्वास के साथ बाहर निकल रही है। ऐसे हम आइए आप भुजंग आसन का तीसरा अभ्यास करते।
अपने हाथों को छाती के साइड साइड में रख करके फिर पीछे से पैरों में भी थोड़ा सा गैप रखें, 1 से 1.5 फुट का फासला पैरों के बीच में। फिर श्वास भरते हुए अपनी छाती को ऊपर उठाएं, फिर पीछे की ओर मुड़ करके देखें, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट पैर की एड़ी पर देखें। जिनको लेफ्ट साइड में साइटिका होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होती है आसन। ऐसे होल्ड करके रखें 15 से 20 सेकंड तक। और मन की जो संकल्प शक्ति है उसको बढ़ा करके रखें इस समय पर। जब हम होल्ड करके रखते आसनों को, जब हम होल्ड करते उस समय पर मन की स्थिति बहुत ही आनंद में होनी चाहिए, सुखमय होनी चाहिए। ऐसे दबाव में आसन को नहीं करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी कहते स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में हमारी शरीर स्थिरता को प्राप्त करती है और मन सुख अनुभूति करती है उस स्थिति को हम आसन कहते हैं। तो इसी अभ्यास को दोहराते फिर से एक बार। श्वास भरते हुए राइट शोल्डर के ऊपर से लेफ्ट एड़ी में, फिर अपने गर्दन को सीधा करके नीचे आ जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। फिर से एक बार श्वास भरते हुए लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से राइट पैर की एड़ी पर अपनी दृष्टि को बनाए रखें। मन ही मन संकल्प के साथ कि मेरी जो लोअर बैक में दर्द है वो दर्द ठीक हो रही है, उस दर्द में आराम मिल रहा है, ऐसे मन में संकल्प के साथ उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए। जब हम प्रार्थना के साथ आसन और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसकी जो एफिकेसी है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये भुजंग आसन के 3 अभ्यास के बाद चौथा अभ्यास हम करते हैं। जैसे श्वास भर करके अपने हाथों को छाती के साइड साइड में रखिए, फिर केवल अपने छाती को ऊपर उठाना है और इस स्थिति में होल्ड करके रखनी है थोड़ी देर तक, 15 से 20 सेकंड तक। 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाए। भुजंग आसन के बाद हम अभ्यास करते सलाव आसन का। इसके लिए अपने दोनों हथेली को अपने जंघाओं के नीचे ले जाएं, अपनी थोड़ी को जमीन पर रखें और श्वास भरते हुए अपने दाएं पैर को ऊपर उठाएं। घुटने सीधे रखने चाहिए इस आसन के अभ्यास करते हुए, घुटने को ना मोड़ें और अपने पंजे, जो पैर के पंजे उसको खींच करके रखें। सलावासन के 2-3 अभ्यास है जिनकी केवल हम अगर सलावासन का ही अभ्यास करें तब भी बहुत रिलीफ मिलता है साइटिका के दर्द में। तो ये पहला अभ्यास है जिसमें हम अपने राइट पैर को श्वास भर के ऊपर होल्ड करके रखते हैं। फिर 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद हम फिर इसको श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर आते हैं। फिर इसी का दूसरा अभ्यास है, हम लेफ्ट पैर को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, घुटने सीधे रखें और होल्ड करके रखें 15 से 20 सेकंड तक। अपने मन ही मन काउंटिंग करते रहें और ओमकार का जाप कर सकते हैं मन ही मन। जब हम श्वास को होल्ड करके रखते जो हमारी शरीर की हीलिंग कैपेसिटी होती है, ये हीलिंग कैपेसिटी सकारात्मक ऊर्जा के संगठन को बढ़ाने से और ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। तो जल्द से जल्द हमें साइटिका जैसे दर्द में आराम मिल सकती है। ऐसे एक एक पैर से करने के बाद दोनों पैरों को एक साथ श्वास भर के हम ऊपर उठाते हैं और होल्ड करके रखते 15 से 20 सेकंड तक। ये जो लोअर बैक की स्पाइन है, स्पाइन के लोअर बैक की जो अलाइनमेंट है उस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। हम श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को नीचे करते और अब इसकी अगले अभ्यास है जिसमें हम अपने दाएं हाथ को इसे कमर के ऊपर रखते और बाएं हाथ को सीधा सामने। अब श्वास भरते हुए जो हाथ सामने है उस हाथ को ऊपर उठाएंगे और पीछे जो उसके अल्टरनेट पैर को यानी कि उसके विपरीत जो पैर है उसको हम ऊपर उठाएंगे।
और होल्ड करके रखेंगे 15 से 20 सेकंड तक। ऐसे 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर हम हाथ को और पैर को एक्सचेंज करेंगे और ऐसे अल्टरनेट हाथ और उसके अल्टरनेट पैर को हम ऊपर करेंगे श्वास भरते हुए। ऐसे श्वास छोड़ते हुए फिर दोनों हाथों को पीछे एक दूसरे से पकड़ करके अब हम बात करने वाले अगले अभ्यास शलभासन का, जो अंतिम अभ्यास भी है। श्वास भरते हुए हम हाथों को पीछे खींच करके फिर सामने से छाती को उठाएंगे और पीछे से दोनों पैर को खींच करके उठा के होल्ड करके रखते 15 से 20 सेकंड तक। आप महसूस कर पा रहे होंगे जब इस आसन का अभ्यास हम कर रहे हैं तब अपनी लंबर रीजन पर यानी कि लोअर बैक के एरिया पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और जो नर्व कंप्रेस हुई थी, जो नर्व दबी हुई थी, जो नर्व इन्फ्लेम्ड हुई थी, उस इन्फ्लेमेशन में हमें राहत मिल रहा है और दर्द की जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो ऐसे शलभासन के बाद हम अब शुरू करते अर्ध पवन मुक्तासन को। पहले अपने राइट पैर को फोल्ड कर लीजिए, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटनों को अपनी छाती की ओर खींच करके रखिए और श्वासों को बाहर छोड़ लीजिए। अर्ध पवन मुक्तासन, ये नाम से ही हम समझ सकते हैं, पवन मुक्तासन यानी कि हवा को शरीर से मुक्त करने का आसन है ये। जिस वात व्याधि के कारण से शरीर में दर्द बढ़ती है उस वात व्याधि को हम शरीर से निकालने के लिए, अपान वायु के रूप में निकालने के लिए हम पवन मुक्तासन का अभ्यास करते। तो पवन मुक्तासन का अभ्यास पेट के लिए भी ज़रूरी है और पीठ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसी अभ्यास को हम दूसरे पैर से भी करते, फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके लेफ्ट पैर को खींच करके अपनी छाती की ओर रखिए और ऐसे श्वासों को बाहर छोड़ करके होल्ड करके रखेंगे। अभी हम साइटिका पेन के अभ्यास कर रहे हैं तो हम अपने गर्दन को नीचे ज़मीन पर ही रखते हैं, नहीं तो पवन मुक्तासन के अभ्यास में हम गर्दन उठा करके अपने नासिका को घुटने से लगाते भी हैं जब हम पेट के लिए जब इस आसन का अभ्यास करते हैं। अब इसी अर्ध पवन मुक्तासन को हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं, जब दोनों पैरों को फोल्ड कर लें और हाथों को इंटरलॉक करके इसको खींच करके छाती की ओर रखें श्वासों को बाहर छोड़ते हुए। अपने पंजों को खींच करके रखें जमीन की ओर दिशा दे करके। जब हमें लोअर बैक में ज़्यादा दर्द बढ़ती है तो उसमें एक मुख्य कारण है कि शरीर पे गैस का फॉर्मेशन हो जाना, ज़्यादा गैस बन जाना। शरीर में जब ज़्यादा गैस बनती है उससे भी नर्व कंप्रेशन होती है, डिस्क बल्ज होती है और उस कारण से भी शरीर में दर्द बढ़ जाता है। तो उस दर्द को कम करने के लिए हम अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करते हैं। ऐसे ही अर्ध पवन मुक्तासन के अभ्यास के बाद हम अभ्यास करते सेतु बंधासन की। हमने दोनों पैरों को फोल्ड कर लिया और अपने हाथों से टखनों को पकड़ करके फिर कमर को ऊपर की ओर उठा लिया श्वास भरते हुए और इस स्थिति में हम होल्ड करके रखते। ये भी दूसरा ये भी कारण होता है कि हमारी जो नाभि, जो शरीर का सेंटर है, ये पाचन शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। हमारे अंदर जो पाचक अग्नि है उस अग्नि को प्रदीप्त रखने का काम करता है जो नाभि है। वो नेवल डिस्प्लेसमेंट जो हम बोलते हैं यानी कि नाभि का डिग जाना, नाभि के डिगने से भी हमें साइटिक दर्द होता है, साइटिक नर्व में कंप्रेशन होती है यानी कि एक साइड में दर्द बढ़ जाता है। ये दोनों इंटर रिलेटेड है कि साइटिका होने से भी नाभि डिग जाती है और नाभि डिगने से भी साइटिका होती है। तो इसकी ठीक करने के लिए हम सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं। फिर हम वापस आते हैं श्वास भरते हुए। तो अब हम यही आसनों के अभ्यास के बाद जो आसन से हमें थोड़ी सी थकावट महसूस होती है उसको दूर करने के लिए और अपने शरीर को रिलैक्स करने के लिए, जितने मसल्स को हमने हाइपरट्रॉफिक कंडीशन में लेके गए उसको फिर हम नॉर्मल कंडीशन में लेके आने के लिए हम थोड़ी देर शवासन का अभ्यास करते हैं। अपने पैरों में थोड़े से गैप कर लीजिए, फिर हाथों को अपने कमर के साइड साइड में आकाश की ओर करके रखें, आंखें बंद रखें और केवल अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करें।
ऐसे संकल्प के साथ शवासन करने के बाद हम दोनों हाथों को ऊपर उठा करके घर्षण करते हैं और हथेली में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपने आँखों पर लगाएं और अपनी दृष्टि को खोलते हुए धीरे से बाएं करवट लेकर के उठ करके हम बैठ जाते हैं।